यूपी सरकार थोड़ी ही देर में गाइडलाइंस जो है वो जारी करने वाली है। अनलॉक वन की गाइडलाइंस जो है यूपी सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में छूट दी जा सकती है। जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है जिसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तमाम एरियाज में छूट दिए गए हैं, तो यूपी सरकार की जो गाइडलाइंस जारी होंगी उसमें भी ये माना जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में छूट जो है वो दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में सख्ती और भी बढ़ाई जा सकती है ताकि कंटेनमेंट जोन जो है उसमें कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसे कंट्रोल किया जा सके, इसलिए सख्ती और बढ़ सकती है। धार्मिक स्थलों पर फैसला लिया जा सकता है कि यूपी में धार्मिक स्थल जो है वो खुलेंगे या नहीं, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन में ये है 8 जून के बाद से धार्मिक स्थल खुल सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। और लगातार धर्माचार्य जो है वो यही मांग कर रहे थे कि धार्मिक स्थलों को खोला जाए, इसलिए इस पर भी सरकार का फैसला आ सकता है। मॉल, पब, बार और सैलून अभी बंद ही रहेंगे,